वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू जो भी पर्सन है नए प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर EC इनिबिटर्स। इसमें से कौन से हैं जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स हैं। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, लोसार्टन, वेरापामिल एंड कैप्टोप्रिल। ओके तो इसका आंसर है कैप्टोप्रिल बिकॉज एज एक्सप्लेनेशन यदि सफिक्स में PRIL आता है ओके, या प्रिल आता है तो इट इंडिकेट द EC इनिबिटर्स। ओके तो जितनी भी ड्रग्स हैं जिसके सफिक्स में उनके लास्ट में प्रिल वर्ड यदि आता है तो इट मीन्स कि ये EC इनिबिटर्स होंगे। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ड्रग लोसार्टन बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी। लोसार्टन किस कैटेगरी की ड्रग है। इट इज़ ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एडेनोसिन ब्लॉकर, डायूरेटिक्स या इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइज यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ नन ऑफ द अबव बिकॉज ना तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ना तो एडेनोसिन ब्लॉकर है, ना ही ये डायूरेटिक्स है, ये है 81 एंटागोनिस्ट। ओके तो जहाँ भी लास्ट में सफिक्स में यदि SARTAN लगा हुआ होता है, सर्टेन लगा हुआ होता है, इट मीन्स कि ये 81 एंटागोनिस्ट है राइट। नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल सिम्पेथोलाइटिक्स। ओके तो गाइज इसके लिए आपको जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन याद होना ज़रूरी है, तब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन है इसमें क्लोनिडीन, मिथाइलडोपा, बोथ या मिनॉक्सिडिल। तो सेंट्रल सिम्पेथोलाइटिक्स में यहाँ पे क्लोनिडीन, मिथाइलडोपा दोनों ही आते हैं राइट। कुछ वैसोडाइलेटर्स हैं जिसमें मिनॉक्सिडिल जो है इसका एग्जांपल है लाइक हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल एंड डाइऑक्साइड राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। इसको बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा भी लिखा जाता है। ऑप्शन है टोलाजोलिन, प्रोपेनालॉल, लाबेटोलॉल एंड मिनॉक्सिडिल राइट। तो उसका आंसर यहाँ पर रहेगा लाबेटोलॉल बिकॉज लाबेटोलॉल जो है ये अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है राइट। इसके साथ में एक ड्रग और आती है कार्वेडिलॉल, तो दोनों ही ड्रग अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडायलेटर यूज फॉर द एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है गंजापन होना राइट। तो इसमें ऑप्शन है डाइऑक्साइड, हाइड्रोलाजीन, लाबेटोलॉल एंड मिनॉक्सिडिल। तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है मिनॉक्सिडिल बिकॉज मिनॉक्सिडिल जो होता है एक वैसोडायलेटर की तरह काम करता है और हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डायरेटिक्स इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। डायरेटिक का हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में क्या रोल है। क्या ये फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द प्लाज्मा एंड ECF वॉल्यूम, सेकेंड है डिक्रीज प्लाज्मा एंड ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, थर्ड है रिटेन मोर सोडियम इन द ब्लड या इसमें से कोई भी नहीं। तो डायरेटिक्स जो होते हैं जैसे कि नाम से इंडिकेटेड डायूरेसिस मतलब मोर ऑफ द वाटर को ही बाहर कर रहा होगा, इसलिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम कर रहा होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को भी कम कर रहा होगा। ओके जिसके थ्रू ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे कम होता है और इसके थ्रू यहाँ पे ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है या हाइपरटेंशन मेंटेन होता है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉबैक ऑफ डायरेटिक्स एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। डायरेटिक्स का एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के फॉर्म में ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया या सभी। ओके तो जो भी डायरेटिक्स है उसमें मैक्सिमम डायरेटिक्स क्या करते हैं हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं बिकॉज ये सोडियम वाटर को बाहर करते हैं बट सोडियम जो है ये रीअब्जॉर्व हो जाता है, इसके अगेंस्ट में पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है, इस वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है और मोर ऑफ द पोटेशियम यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड द क्लोरप्रोमाजीन इज गिवन विद क्लोनिडीन। क्लोनिडीन जो कि सेंट्रल सिम्पेथोलाइटिक है तो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ द क्लोनिडीन विल। सीधे सीधा हमें क्वेश्चन को यदि समझे तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और क्लोरप्रोमाजीन यदि इनको क्लोनिडीन के साथ दे दिया जाता है तो क्लोनिडीन का इफेक्ट क्या होने वाला है, वो भी एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट राइट, बढ़ेगा कम होगा। थर्ड मैंने एबॉलिश या इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो गाइस इसका आंसर रहेगा एबॉलिश होना मतलब कि ये इसको पूरी तरह से एबॉलिश कर देता है राइट, क्योंकि क्लोनिडीन जो बाइंड होता है वो अल्फा रिसेप्टर पर होता है और ये अल्फा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है। ओके Next question, that is question number 9, antihypertensive drug which is safer in the pregnancy. So guys, यहाँ पे चार ऑप्शंस है, हाइड्रोलाजीन, डायहाइड्रोपायरिडीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बोथ या इनहिबिटर्स. तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है दैट इज बोथ. ओके, हाइड्रोलाजीन एंड डायहाइड्रोपायरिडीन, CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों ही यहाँ पे सेफर होती है प्रेगनेंसी केस में. यहाँ नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन में कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में अवॉइड की जानी चाहिए, दैट इज़ डायबिटिक्स, ACE इनहिबिटर्स, रोज़ार्पिन एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. तो यहाँ पे आपके दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे फुलफिल होते हैं कि ऐसी ड्रग्स जो कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं और कौन से ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं. ओके गाइज, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, मैच द कॉलम. तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में मैच द कॉलम भी आता है. तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. पहला है डायबिटिक्स, ACE इनहिबिटर्स, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर या डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. उनके सामने उनकी कैटेगरी, उनके ड्रग्स दिए हुए हैं, एलिस्किरीन, फ्यूरोसेमाइड, कैप्टोप्रिल एंड लोसार्टन. अब आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन किसके मैच कर रहा है, राइट. चार ऑप्शन आपके सामने हैं. तो गाइज यहाँ पे जो डायबिटिक्स होता है, तो डायबिटिक्स यहाँ पे है फ्यूरोसेमाइड. ACE इनहिबिटर्स जो है दैट इज़, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ भी लास्ट में प्रिल लगा हो वो ACE इनहिबिटर होता है, तो कैप्टोप्रिल इसका आंसर. AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर जिसके लास्ट में सर्टेन लगा हो दैट इज़ द लोसार्टन, एंड डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर दैट इज़ द एलिस्किरीन. ओके, तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा सेकेंड रहेगा. सो गाइज होप्सो कि यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, होप्सो कि आपकी इसको कैटेगरी समझ में आएगी. मैंने मैक्सिमम इसमें इनपुट देने की कोशिश की है और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें देने की कोशिश करूँगा. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.